क्या आपको पता कि आप कैसे ऑडियंस को पिघला सकते हो, यानी ऑडियंस का दिल कैसे जीत सकते हो? नहीं पता है ना, इसीलिए तो आपका व्यूज नहीं आता मेरे भाई। अब देखो भाई, अगर आपका चैनल पर अगर कोई भी नया बंदा आता है तो उसको आपका चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो बंदा आपका चैनल को बिना सब्सक्राइब किए रह ही ना पाए। और जहाँ एक बार वो बंदा आपका चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, फिर तो आपका वो रेगुलर व्यूअर बन गया। तो आखिर ऑडियंस का दिल को कैसे जीता जा सकता है, वही तो बताऊंगा आज की इस वीडियो पर। देखो भाई, बहुत सारा रास्ता है ऑडियंस का दिल जीतने के लिए, लेकिन आज की इस वीडियो पर जो मैं आप लोगों को रास्ता बताऊंगा, जिसके सहायता से एकदम 110% श्योर है कि आप लोग अपना ऑडियंस का दिल को 100% जीत लोगे। कैसे, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इस वीडियो पर दोस्तों मैं आप लोगों को 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आप लोग कुछ इस तरह का काम करके आप लोग ऑडियंस का दिल को जीत सकते हो। कैसे, नंबर 1 को बताने से पहले हम लोग नंबर 2 पर चलते हैं, Q&A वीडियोस बनाकर। अब दोस्तों ये Q&A वीडियो सुनकर के आप लोग इस वीडियो को छोड़कर चले मत जाना, क्योंकि इसके बाद जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो कतई जहर वाला मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा ऑडियंस को पिघलाने के लिए। Q&A करने के लिए पूछते हो एंड वो उसमें काफ़ी सारा भाई कॉमेंट करते हैं, एंड अगर आप एक वीडियो बनाते हो उस पर उसका चैनल का नाम लेते हो, आप उसका क्वेश्चन को पिक करते हो, आंसर देते हो, तो 110% आपसे वो इम्प्रेस हो जाएगा एंड वो आपका चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर ट्रिक की ओर, वो है दोस्तों यहाँ पे इंस्टाग्राम रिप्लाई। अगर कोई भी नया बंदा आपको इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करता है कि भाई आपका मैं वीडियोस देखता हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो आपको फटाफट से आपको रिप्लाई देना है, थैंक यू इस तरह का, मतलब थोड़ा सा अच्छा से आपको उसके साथ बात करना है, कुछ भी प्रॉब्लम है उसका तो आपको सॉल्यूशन करना है। अब हम लोग जो मैंने आप लोग बताया पहला नंबर ट्रिक जो सबसे मस्त है वो है दोस्तों वीडियो पर जो कमेंट्स आता है उस पर आपको रिप्लाई देना है। जैसे कि अगर कोई भी मान लीजिए कि आपको कमेंट किया वेरी नाइस वीडियो ब्रदर, तो आपको उस पर कमेंट करना है थैंक यू सो मच या फिर थैंक यू, या फिर इस तरह से आप लोगों को कुछ भी मतलब कमेंट का रिप्लाई देना, ताकि आपका ऑडियंस जो भी नया बंदा हो या फिर जो भी कमेंट किया हो आपका मतलब रिप्लाई को देख करके इम्प्रेस हो जाए कि भाई ये तो बहुत अच्छा बंदा है, मुझे रिप्लाई भी कर रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और अब जो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट और चौथा ट्रिक की ओर चलते हैं, वो है दोस्तों यहाँ पे आप लोग को डेली कम से कम 50-60 चैनल पर जाकर के आप लोग को कमेंट्स करना है। कोई भी नया यूट्यूब चैनल पर जैसे कि अगर किसी का 10-15 इस तरह से व्यू जाता है, तो उसके चैनल पर आपको जाकर के आपको कमेंट करना है, भाई आप बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हो, आप बहुत आगे जाओगे, कीप इट अप ब्रदर, इस तरह से आप लोगों को अच्छा कमेंट करना है। और 110% श्योर है कि वो भी आपका चैनल पर आएगा एंड आपका चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपका वो वीडियो भी देखेगा, और इस तरह से दोस्तों आप अपना ऑडियंस को इम्प्रेस कर सकते हो, आप ऑडियंस का दिल जीत सकते हो एंड इस तरह से आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को एक बहुत बड़ा मुकाम पर ले जा सकते हो और एक बहुत बड़े यूट्यूबर बन सकते हो। सो गाइस, आज के इस वीडियो पर बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोगों ने बात किया कि आप लोग कैसे ऑडियंस को इम्प्रेस कर सकते हो, कैसे ऑडियंस का दिल जीत सकते हो, एंड उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।